मेरे साथ साथ रह के ना हर्ष बहुत ही समझदार हो गया। एक दिन आया, मेरे को बड़े आराम से ना एक पैकेट पकड़ाया हाथ में। मैं भी कंफ्यूज हो गई, क्या था यार इस पैकेट के अंदर। फिर मैंने देखा कि नेश ब्रांड का एक बहुत ही बड़ा सा पैकेज है, इसके अंदर से निकला एक बैग। भाई मैं समझ गई थी इस पॉइंट पे कि ये तो हर्ष ने अपने लिए ऑर्डर करा है, बट इसके कलर्स इतने प्यारे थे और आजकल वैसे ही मुझे ना हर्ष की चीजें ज्यादा ही पसंद आ रही है, तो मैं तो उसकी चीजें उठा के रैंडमली भी स्टाइल कर लेती हूँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं, उसने अपने लिए ऑर्डर करा है पर यूज तो मैं भी करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैंने उस बैग को साइड रखा और मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगला पैकेट तो पक्का मेरा ही होने वाला है, कुछ ना कुछ हर्ष ने मेरे लिए ऑर्डर करा होगा। और इसमें से निकला एक क्यूट सा टिन का बॉक्स और फिर मैंने उसे फटाफट से खोला और उसके अंदर से निकला एक और मेंस वॉलेट। उसके बाद उसके अंदर से निकली सार कैंडी, मुझे वैसे भी कोको कोला फ्लेवर काफी पसंद है, और इसमें से निकली एक कैंडल। इसके ऊपर भी नेश की ब्रांडिंग हुई हुई थी और उसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी थी। बाकी के बचे हुए पैकेज खोले, जिसमें से एक में निकला पासपोर्ट होल्डर। मैंने फटाफट से दूसरा खोला तो दूसरे पे भी पासपोर्ट होल्डर निकला।